यार, इससे तो कितना कचरा होता है यार, इतना कचरा हो गया इस थर्माकोल को काटने से। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग, आई होप कि आप सब बढ़िया हो। तो दोस्तों, आज हम इस थर्माकोल को काटने वाले एक कटर बनाएंगे, और वो भी बिल्कुल सफाई से काटने वाला कटर बनाएंगे। जिस तरीके से आपने देखा इस फनर से हम इस थर्माकोल को काट रहे हैं, तो किस तरीके से यहाँ पर कचरा हो गया आप देख सकते हो। तो दोस्तों, ये ऐसा बिल्कुल भी कचरा नहीं होगा, हम इस तरीके का एक कटर बनाने वाले हैं। तो आप हमारी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, हम आपको दिखाते हैं वो किस तरीके से बनाया जाएगा। तो दोस्तों, ये मैंने ऑलरेडी सेट कर रखा है, आप देख सकते हो, एंड इसको रखते हैं थोड़ा साइड में। तो दोस्तों, हमें लेना है एक नाइक्रोम का वायर। जी हाँ दोस्तों, नाइक्रोम का वायर, आपने सुना ही होगा इसका नाम। आप देख सकते हो ये मेरे पास है नाइक्रोम के वायर, ये देखिए, ये नाइक्रोम के वायर है, ये है बहुत ही पतला वायर। तो दोस्तों, ये है, ये भी नाइक्रोम का वायर है। ये जो वायर दिख रहा है आपको, ये वाला, ये मैंने इसके अंदर से निकाला है, आप भी निकाल सकते हो। बढ़िया सफाई से निकालना इसको, आप देख सकते हो यहाँ से छील कर आप इसको निकाल सकते हो। ये वही है गाइस, ये देखिए, इसमें से निकाला है मैंने वाला वायर, तो आप भी निकाल सकते हो। ये तो हुई इन सब की बात। तो गाइस, तो दोस्तों, आपको मैंने कहा था कि ये मैंने किसी और चीज में से निकाला है, तो गाइस ये मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हो, जी हाँ दोस्तों, वही है इससे हम बर्तन मांजते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक नाइक्रोम वायर की तरह काम करता है, जिसके अंदर से ही हमने इसको निकाले हैं, ये वायर, नाइक्रोम के वायर। इससे भी हम आपको इस थर्माकोल को काट कर दिखाएंगे। तो चलिए फिर इस नाइक्रोम वायर को लेंगे, और मैंने इसको ऑलरेडी सेट कर रखा था क्योंकि इनमें काफी टाइम लगता है, तो इसको हम इनसे कनेक्ट कर देते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो कटर है वो रेडी हो चुका है बिल्कुल बनकर, आप देख सकते हो। मैंने इसके अंदर बैटरी के वायर जो है कनेक्ट कर दिए, आप देख सकते हो, एक एक वायर ये रहा जो स्विच से जाकर कनेक्ट होता है, एंड जो एक जो वायर है बैटरी का, वो डायरेक्ट इस नाइक्रोम के वायर के कनेक्ट हो रहा है बैटरी का, और एक स्विच के कनेक्ट हो रहा है। ये स्विच है, इसको ऑन कर देंगे हम, एंड कुछ इस तरीके का हमने एक कटर बनाया है, आप देख सकते हो, ये अच्छा दिख रहा है देखने में, तो अच्छा है गाइस। और ये नाइक्रोम का वायर है। तो दोस्तों, हमने इसको खींच कर बड़ी अच्छी तरीके से टाइट किया है, ताकि जो हम थर्माकोल को काटे वो अच्छी तरीके से कट सके। तो दोस्तों, चलिए फिर इस कटर की मदद से हम इस थर्माकोल को काटते हैं, वो भी बिल्कुल सफाई से काटेंगे गाइस, और आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, मैं स्विच ऑन कर लेता हूँ, अब देखते हैं, देख सकते हो। तो गाइस, आप देख सकते हो हमारा जो कटर है वो वर्क कर रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक मिनट इस तरीके से। तो देख सकते हो, इनमें कोई बुराई नहीं है, ये बड़ी अच्छी तरीके से वर्क करा है, और आप देख सकते हो किस तरीके से काटा है इसको। तो दोस्तों, हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो बिल्कुल सक्सेस रहा है, हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, और आपको मैं अच्छी तरीके से और दिखाता हूँ। ये देखिए, बहुत शानदार। तो दोस्तों, देख सकते हो दोस्तों, आपको और अच्छी तरीके से दिखाता हूँ, ये बिल्कुल गन बन गई है गाइस। तो चलिए फिर इसको, हमने जो इसको काटा था और अच्छी तरीके से कट कर देते हैं, देख सकते हो काफी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। ओ भाई, तो गाइस, आप देख सकते हो किस तरीके से बिल्कुल क्लीन, कितना साफ तरीके से इन्हें काटा है इसको, और आप देख सकते हो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये थर्माकोल ही है। तो दोस्तों, इस पनर से तो काफी अच्छा है, हमने जो कटर बनाया है वो काफी बेटर है, आप देख सकते हो। मैं इसको बंद कर देता हूँ। नाइक्रोम का वायर है वो बहुत तेजी से हिट होता है, और इस कार थर्माकोल को आसानी से काट देता है।
और ये कितनी बढ़िया अच्छी तरीके से बिल्कुल सफाई से कट कर रहा है ये थर्माकोल को। आप देख सकते हो मैंने ये सब कुछ थर्माकोल को इसी कटर की मदद से काटा है। इस कटर की मदद से आप भी बना सकते हो, नॉर्मल सा है गाइस ये। आप इस नाइक्रोम के वायर का इस्तेमाल कर सकते हो, ये तो सबके घर में मिल जाएंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके के मजेदार एक्सपेरिमेंट देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना ताकि आपके पास हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए और आप हमारी वीडियो को तुरंत देख सको। आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा, तो उसके लिए एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।